हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियोस का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, बट आई एम रियली सॉरी गाइस, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो आगे की फिर बात यान रही कि जय माल्टी मम्मी भी छोरी ने खूब बोली और खूब भी ना की कि भाई तेरे को पीछे छोड़ दे, तू मना ये बेचारा की जिंदगी तबाह करे। लेकिन बात छोरी धर्म कौन मानी, बात तो खेवे खचे मैं जिंदगी तबाह कौन करी, खचे जिंदगी तो थे तबाह कर दिए खेचे, अयन की तो थे बाण पढ़ने पड़गी और अयन की माँ पाने पड़गी। जब बेचारा ई छोरा से तो कोई प्यार ही कौन करे, इसे तो प्यार खाली मैं ही करूँ। जो जना मम्मी बोली कि जब भाई अगर मैं प्यारी नहीं करता, जना 9 महीना कूख में रखी और इन्हें बड्डो 25 साल को इन्हें मैं करा हाँ, और आज बता मैं प्यार ही कौन करा। खचा नहीं जना, फिर मम्मी बोली कि तू भी की जिंदगी तबाह मना करे, खचा नहीं जिंदगी तो तबाह थे कर दिया, मत की जिंदगी सवारूंगी और मत इन्हें बहुत बड़ो आदमी बनाऊंगी। जना फिर मेरी मम्मी बोली कि चलो ठीक है भाई, अगर तू की जिंदगी तब मतलब कि बनावेगी और इन्हें बहुत बड़ो आदमी बनावेगी तो तू तेरे हिसाब से करके देख ले, मैं भी देख लेंगे भाई कि तू बड़ो आदमी बनाएगो। जना दोस्तों, फिर वो मारकन को नहीं रहतो, यो बस बिछोरी कन रेबा लागो और मारकनी कौन रहतो, और ना तो बछोरी मारसू बात करवा देती इन्हें, ना फोन करवा देती, मतलब कि हमेशा इन्हें भड़का ही रखती कि मतलब तेरी भाण की एन की जाए और तेरी माँ भी तेरे से प्यार कौन करे, बस खाली मैं ही तेरे से प्यार करूँ। जो तो यो भी मारसू कदे भी प्यार कौन करतो और ना मारसू कदे बात करतो यो, और कदे का वो ठियातो तो बस बाहर घोड़ो इन फोड़ो भी ना तोड़ो, बस एक यो काम करतो। फिर दोस्तों थोड़ा सा दिन होगा जहाँ एक 1.5 साल होगी, मतलब यो आइए चालबो करो पाचे। फिर भाई लड़की ने बोली कि तू एक काम कर, तू तेरे घर खाने शादी की बात कर तो दिखाने भी मान ही जाए, तो क्योंकि बीच छोरी ने इसु कोई प्यार कौन सो बिन तो प्यार किसी चो, एक घर बार आंसू प्यार चो बिन तो। जना फिर यो मम्मी ने बोलो कि भाई मैं तो भी ब्याह शादी करूँगो। जना मेरी मम्मी भी नया बोली कि भाई अगर बार अच्छे मतलब अच्छी लड़की होती तो बा पहले मन ने खेती, ठीक है अँ ब्याह शादी मैं तो कौन करवा दूँ, देख तू तो मेरी जिंदगी तबाह कर ही रखी हो, कल ना बाह जाएगी तो बा और मेरी जिंदगी तबाह कर देगी, आज कम से कम मेरी सुख की 2 रोटी तो मैं खाऊँ। जो तो यो मतलब मेरी मम्मी साफ मना कर दी और मेरी मम्मी कौन मानी, तो बस यो लड़ाई दंगा गोदी में जाए थाने बेरो दुनिया ने सुना वो ऐसा काम करता, दुनिया भी तमाशा देखा जाए, देखो कोई भी अपनों को नहीं, दुनिया छोड़ो को मेरा खुद का घर खबी है तमाशो देखता, वो लड़ाई करतो ना तो यहाँ तमाशा देखता कि देख बढ़िया हो रही जा कमाइन है, बढ़िया बीत रिया कमाइन है। फिर बस दोस्तों मन लास्ट में ये सोचना पड़ गो जो कि ओ मारो भाई को नहीं, अरे मैं की बाण को नहीं, और मम्मी ने भी बस यो सोचना पे वो मजबूर कर दियो कि मेरा बेटो ही कोनिया, नहीं वो को दिया लड़ाई दंगा कर कर रूस का चल जाता ना तो मेरी मम्मी एक बार नहीं कम से कम भी 10 बार भी ना फोन करती, अरे भाया घर आना जा रहा है भाया घर आना जा, वो 3-3, 4-4 फोन फोड़ दे तो वो मेरी मम्मी खुद भी ने पैसा दे दे कर नया फोन दुआती, लड़ाई कर ले तो कि दुआ अभी के अभी फोन दुआ मैंने, नहीं देख तू फिर देख मैं दुनिया ने कहीं समझूँ, तो मेरी मम्मी भी ना खूब फोन दुआया खूब भी फोन दुआया अभी ने लास्ट का मायने। फिर मेरी मम्मी के अँ होगो कि भाई अभी वो समझा तो आत को ना, अभी वो करेगा जो तो करेगो, तो फिर बाद में मेरी मम्मी साफ मना कर दीजिए बिना, वो खूब लड़ाई करतो मैंने पैसा दे, मेरी मम्मी साफ मना कर देगी मेरे को कुछ भी को ना, तू जो भी कर तू मेरे बेटो ही को ना, मैं तेरी माँ, ठीक है। तो पाचा बस यो फिर भी लड़ाई दंगा करके और बस भी लड़की कन चल जा, तो पाचा बस लड़की ने पूछती कि भाई तेरे घर खा के बोलिया, पाची साफ मना कर दे तो कि भाई क्यों ही कौन बोलिया घर खा, तो साफ मना कर दिया। तो दोस्तों मैं मतलब इस बात ही कौन करता, मैं खुद भी ना फोन कर वो बंद कर दियो जो, और मेरी मम्मी भी फोन कर वो बंद कर दियो जो, मैं साफ ही भूल गया चाहिए मार कोई भाई जाए। पाचे दोस्तों बात थोड़ी सी ठंडी पड़गी, जन भी छोरी के सबर कहीं हुआ है कि भाई बात तो ठंडी पड़गी, अब तो घर खाई ना पूछे ही कौन, अब तो बेटो ही कौन समझी घर खाई, तो नहीं पहले तो मैं फोन करता और मैं फोन कर वो बंद कर दिया, जन भी छोरी का तो आई होगी कि अलग यो एक ही बेटो जो अभी ना भी दुत्कार दिया ये। तो फिर दोस्तों बा मैंने ब्लैकमेल करवा लाग गई कि मैं ऐसे करवा दूंगी और मैं आपको मरवा दूंगी और मेरे भाई ये हैं मेरे पापा ये हैं, मतलब बहुत कुछ वहाँ बोलवा लाग गई मैंने। फिर मैं भी बोल दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा के करवाओगी मैंने मरवाई तो की मरवा दीजिए भाई और तो कहीं बोलो भाई इसू बढ़कर तो क्यों ही कौन, मैंने कहा फिर थे कौन सा बिल में घुस होगी मखा है थे तो मैं क्या इसकी जिंदगी जी लोगी ना मैं कि फिर। तो दोस्तों बा मैंने बहुत ब्लैकमेल कर दी, पाचा कहीं जाए कि बा मेरे भाई ना सिखाती कि तू एक काम कर, अँ तो तेरा घर खा मान रहे को ना, तू थारा घर कोई सिलेंडर ही लिया तू फलानी चीज़ ठा लिया दिखाने तेरी माँ कहीं से रोकेगी, तो बस वो मारा घर आना तुम्हारा 2 सिलेंडर पड़िया जा मेरे पापा के लेड़ा जा, अब तो कट्ठे जी दोस्तों तो मेरे पापा के लेड़ा जा 2 सिलेंडर, वो अँ क्या 2 सिलेंडर आंसर ना गाड़ी के ऊपर रख के और चल गो। लेकिन वो है थोड़ी बहुत भी सोचो को ना मतलब कि भाई ऐ मम्मी कहें दुख सुख सु मतलब ऐसा सिलेंडर घर आने बेड़ा कर जा, आज दुनिया का मुंडो देखना पड़ा जब चीज़ा खातर भी, और अब कौन ले जाए दोस्तों वो जमाना में लिया जा जो लिया जा, अब थाने बेर हो जाए कि मैंगो वाड़ो क्यों हो रही है, तो बेबी लेगी और आज कोई अता पता को नहीं बने बेबी दारू का मायने बिग गया कोई अता पता को नहीं बस सिलेंडर का।
तो वह आपकी बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और ए लोग ऐसा सोचे जी कि भाई बीको और बीको ब्याह हो चुकी है। तो दोस्तों मैं थाने बता दूं कि बीको कोई ब्याह को न अड़ो, मेरे भाई के साथ में कोई ब्याह को न अड़ो, ऐ सब अलग जी, ये सब झूठ बोली जी, कोई शादी ब्याह को न अड़ो बीको, ठीक है। अगर शादी ब्याह की नहीं खींची जब लुगाई सात फेर समाज के मायने ब्याह शादी करे है ना, भी नहीं खींची असल के मायने शादी, और भैया ए बा अगर शादी कर लो और बीमा कर लो और बीमा कर लो, ऐसा बकवास चीजा हुई जी, ठीक है। और दूसरी शादी आपने कोरट सो हो जाए बा मेन शादी मानी जाए जाए, तो आके ऐसी कोई भी शादी को नहीं अड़ी, ना कोई आकन कोई कागज पानड़ा, ना कन कुछ भी कोई आका करने। फिर दोस्तों ऐ सारी बात होगी वो आगी, कोई मतलब वाली बात को निकली। फिर दोस्तों लास्ट का मायने का ही हो कि आ दुनिया की बिगड़बा लाग गई, मेरा भाई किर भी दुनिया की बिगड़बा लाग गई, जबकि माने कौन मेरे कि आगे सच में आके अभी आके बिगड़ी को नहीं, ऐ नाटक खेलू मार सके। तो मेरे भाई घर आना आयो और मेरे भाई मेरी मम्मी ने आए बोलो कि मम्मी बा मैंने छोड़ दी और मैं भी बिना छोड़ दियो, और अब आप दोनों सागे रहंगा और मैं बस बिना छोड़ दियो, मेरे भी को कोई रिश्तों को नहीं। अब जब मम्मी भी आए बोली कि भाई चलो कोई बात को नहीं, कितने समझ में तो आ गई अब है भाई, बहुत बड़ी बात है कि बा लड़की तेरे साथ में बहुत गलत कर रही थी, तने समझ में आ गई। फिर दोस्तों यो 5-10 दिन तुम्हारे घर आना रही हो, सुख शांति से रही हो है ना, ड्रिंक तो यो करतो लेकिन मतलब ऐ चिल्ला तो बार बुरा कौन करतो, लेकिन मैं फिर ओले से सुनया तो यो भी लड़की से बात कर रही हो जो कि फिर वह लड़की ने ऐसी कारी थी कि हाँ तू आराम से शांति से रह, तेरे घर आन दिखाने तेरा घर का मान ही जाए तो है ना, तो मतलब आपको यो गेम छो। फिर मेरी मम्मी ने बोली कि हारे तो तू बोल रहे हो कि भाई थारे दुनिया को बिगड़ गो और अब थे तो राजी हो रहा हो और थे तो गेम खेल रहे हो मेरी सागे, फिर बस वही गोदीम दाड़ करवा लाग गो वो, फिर वो लड़ाई लड़ू करके फिर वो चल गो। फिर 1-1.5 महीना बाद में अभी की बात बताई जो मैं अब की जो प्रेजेंट टाइम की जो बात है, अभी 10-15 दिन पहले मैं एक वीडियो भी डाली जो कि 4 साल बाद में मेरा भाई आया है, तो दोस्तों वो अब आयो क्योंकि मैं तो भी 4 साल बाद में मिल लीजिए, बाकी वो लड़ाई गोदीम करवा खाते तो आते रहते तो वो। तो फिर बाद में वो आयो और मम्मी के सामने रोबा लागो वो कि भाई बा मैंने छोड़ दी और बा मेरे से सारो रिश्तो ना तो तोड़ दियो, और वो अयन को आयो जो कि मारा गाँव के माइनस सब आदमी आए बोल दिया जाए कि वो मरेगा भी जीवा कुनिया, या कंडीशन जीवी की बा लड़की इन्हें इनकी मतलब इतनो गंदो करके इन्हें इतनी यो इतनी पिबा लागो जो इतनी पिबा लागो कि मतलब कि इन्हें खुद को ओस आवाज सब खो बैठे हो और इन्हें खुद नहीं उनके एक एक रोटी को मोहताज हो। फिर देखो यो रो तो मतलब कि कोई बड़ा सो फोन आयो कि भाई इन्हें थाना इन्हें ले जाओ बेटा ने बहुत बुरी मतलब अदगी कर रखी जब लुगाई के मायने, बात तो आगे छोड़ छाड़ के इन चल गई और यो अब यो क्या कर दो। फिर बाद में मेरी मम्मी भी आगला ने समझाया कि भाई आते इन्हें बस में बिठा दियो, पाचो देखो दोस्तों वो आगलो कोई लड़को समझदार छो जो इन्हें बस में बिठायो और पाचो हमारे घर आना आयो, तो एक ही कंडीशन बहुत बुरी जी, पाचो यो रोबा लागो जाना। फिर मेरी मम्मी जने 10-15 हज़ार रुपया एक दवाया का लगाया, इन्हें डॉक्टर के दिखाई और इन्हें फ्रूट खिलाया, आजकल थाने बेरो ही है कि महंगा वाड़ो कितना हो रहा है और कमा वाड़ो को याद को नहीं, 200 रुपया किलो तो अनार हो रही है, 250 रुपया किलो सेब हो रही है, यो महंगा वाड़ हो रही है। फिर बीबी का देख लो 10-15 हज़ार रुपया बिने खुआयो, बिने दूध मंगवा दियो, घी खुआयो बिने, सारी चीज़ें पुख्ता बिने खुआई और थाकी सोगन 15 दिन तक वो धर्म भी कौन पियो, भाई मैं झूठ कौन बोलूँ, जो बात रियल जाए भाई मैं थाने बताऊँ छू, जो फेक छे ना बा मैं बिल्कुल भी कौन बताऊँ, वो बिल्कुल भी कौन ही पियो और भी छोरी सो बिल्कुल मतलब बात होती है उन्हें भी की, लेकिन जो हमारा जो घर के मायने जो रिश्तेदार जो मैं थाने पिछले वीडियो में बताई थी कि बे भाई साहब भी छोरी का कान भटकावा में एक नंबर थी, जना बे अगले दिन फोन कर दिया छोरी ने कि भाई अब तो यो छोरो एकदम सही रह रहे हो जाए और अब तो कोई लड़ाई दंगो भी कोनी हो रहे हो, अब तो यो पी रहे हो भी कोने, जन भी छोरी के भी आई हो गो कि अल्ले तो घर खत अपना दिया, पहले तो मैं भी सुबह ही कौन करता और अब भी छोरी कहीं हो गो कि अल्ले अदो इन्हें अपना लिया जना कहीं। फिर भाई ने फोन आपको फोन कर वो स्टार्ट कर दियो कि तू तो मेरी जान है, तू फलाना है, तू डिखड़ा है, तू आ जा, फिर कहीं यो फिर लड़ाई दंगा करके चल गो, अभी की बात है भी 8-9 दिन पहले की बात है, फिर बस यो लड़ाई दंगा करके चल गो, फिर कहीं छो मैं भी शांत बैठ गया, मम्मी ने भी मैं खूब समझाई मैं कि तू काटी पर विश्वास करा जो तू विश्वास मत कर वो कर यो एंड को ही जाए। फिर अभी परसों का दिन दोबारा आयो छो वो ले तो रखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो परसों के दिन दोबारा आयो कि मैंने किराए दे मैं कैंटीन में जा रही हूँ। फिर मेरी मम्मी बहुत बहुत कुछ भी ने सुनाई, लेकिन फिर वो रोबा लागो यार देखो भी तो कौन जाए, फिर भी अब किराया भाड़ो दिया जा, अब वो कैंटीन के मायने गयो और हाँ अब लास्ट मैं जा रही हूँ और भी की कोई शादी को नहीं हुई है, ठीक है। और वह लड़की बहुत ही घटिया जाए या मैं थाने बता रही हूँ, बस अभी के लिए मैं चालू जाऊँ यो मैटर में ठेक लो। अगर थाने मेरा वीडियो चोखो लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजो और ये वीडियो का माइंड थारी का ही राय है वह प्लीज़ थे जरूर बता दो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियोज़ अपना कल आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, बाय बाय।